वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक बहुत ही डिलीशियस और शानदार रेसिपी की लेके आई हूँ, जो है मखाना मटर मलाई। और ये बहुत ही डिलीशियस रहती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की सब्ज़ी है ये, और बहुत ही अच्छा लगता है। मखाने और मटर का जो कलर भी आता है बहुत अच्छा आता है। तो चलिए इसमें क्या क्या सामान लगता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें मखाना है, ये मैंने 150 ग्राम मखाना लिया हुआ है, और साथ में एक कटोरी मटर लिया हुआ है, और मलाई लिया हुआ है 2 बड़े चम्मच, टमाटर लिया है एक बड़ा सा, और लिया है काजू थोड़ी सी, लहसुन अदरक और 2 बड़े प्याज लिया है। मसालों में जीरा, धनिया के पाउडर, जीरा, नमक, गरम मसाला, हल्दी और लाल मिर्ची लिया है। तो इतने सामान में ही ये बहुत ही टेस्टी बन जाएगा। तो इसके लिए पहले कढ़ाई को गर्म करना है और मखाने को हमें फ्राई करना है। डीप फ्राई नहीं करना है, सेलो फ्राई करना है, और हल्की गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करना है। आप चाहो तो इसको ड्राई रोस्ट भी कर सकते हो। थोड़ा सा रोस्ट कर लेने से या थोड़ा सा फ्राई कर लेने से इसका कलर तो थोड़ा बदलेगा और इसका रॉ स्मेल भी चला जाएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। मखाना जो है गोंद के लड्डू में तो बिना मखाने के बनता ही नहीं है, पर इसकी रेसिपी भी बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत टेस्टी होती है। पनीर के साथ भी हम मखाने की सब्ज़ी बना सकते हैं। ये देखिए मेरा ड्राई रोस्ट हो गया है अच्छे से, और इसको मैंने निकाल के साइड कर दिया है। इसमें थोड़ा सा तेल और लिया है मैंने कढ़ाई में। अब इसमें मैं प्याज, लहसुन और जो काजू अदरक सब रखा था उसको मैं फ्राई करूँगी। इसको थोड़ा सा हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, बस थोड़ा सा कलर चेंज होने देना है इसकी, क्योंकि ये फ्राई करके फिर इसका मसाला बनाएंगे, और ये मसालों को जो है इसको फ्राई करके बनाने से इसका फ्लेवर रिच हो जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की टेस्ट आने लगता है। तो हमेशा ऐसे सब्जियां बनाते वक्त, जैसे शाही पनीर वगैरह भी बनाते हैं, तो इन सबको फ्राई कर लेना चाहिए। ये देखिए थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, इसको फ्राई करके अलग कर दिया है। फिर इसी से कढ़ाई में ही मैं टमाटर को थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेती हूँ। इन सबको उसी, और तेल नहीं डाला मैंने, उसमें ही फ्राई करके सॉफ्ट कर लेना है। अब इसको मैं निकाल के थोड़ी देर ठंडा करूँगी और फिर जाके इसका पेस्ट बनाएंगे, नहीं तो गरम में नहीं पीस सकते हैं मिक्सी में। ये टमाटर भी हल्का सा गल गया है, अब इनको मैं निकाल लेती हूँ और थोड़ी देर ठंडा करके रखने के बाद ही हम इसको पेस्ट बना के रख सकते हैं। ये हो गया, अब गैस ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं। सारा निकाल के थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, जल्दी हो तो पानी थोड़ा सा नीचे रख के भी ठंडा कर सकते हैं इसको। ये ठंडा होके पीसने के बाद एक कटोरी बना है। अब हम सेम कढ़ाई में तेल थोड़ा सा गरम करके जीरा चटका देते हैं, और साथ में हमें लाल मिर्ची और हल्दी को भी डालते हैं, इससे ग्रेवी का कलर बहुत ही अच्छा आता है तेल में पहले से भून लेने से। इसको 1 से 2 सेकंड के लिए सौटे करने के बाद पेस्ट डालेंगे। हमेशा ऐसे मसाला डालते वक्त ढक देना चाहिए, नहीं तो तेल ऊपर छिटकता है। इसको अच्छे तरह से हमें अब भुनना है इस मसालों को। इसमें टमाटर भी हमने पीस लिया है, तो साथ साथ सब एक साथ भुनेंगे, और इन मसालों को तब तक हम भुनेंगे जब तक कि तेल ऊपर आने ना लगे। मसाला जब तेल छोड़ जाता है तब जाके भुना हुआ मसाला रेडी होता है। और वैसे इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि हमने पहले से ही अनियन वगैरह को सबको फ्राई कर लिया था, तो इसको भुनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए ये कितना अच्छा कलर भी आ रहा है, और जितना अच्छा कलर आ रहा है उससे कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट भी आता है। अब ये भुन गया है, अब हम इसमें जीरे धनिया का पाउडर को और नमक को ऐड करते हैं। गरम मसाला को हम थोड़ी देर से ऐड करेंगे, पहले इन सबको भुनेंगे। और अभी हम इसमें जीरे धनिया का पाउडर और नमक को ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद थोड़ी देर और भुनेंगे इसको, दोनों सब एक साथ मिक्स हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा और भुनना पड़ेगा। ये लगभग हो गया है, अब इसमें हम मटर को डालेंगे। मटर चाहे तो आप फ्रेश ले सकते हो, ये मैंने बनाया था फ्रोजन मटर, फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीजर में फ्रोजन मटर बना के, तो उसी को डाल रही हूँ। ये बॉयल नहीं है, आपको बॉयल जैसा दिख रहा होगा, क्योंकि ये फ्रीजर में था तो थोड़ा सा अलग होता है फ्रोजन मटर। आप फ्रेश मटर भी डाल सकते हो, और मटर को पहले से भी हल्का बॉयल करके डाल सकते हो, लेकिन हम इसी में ही बॉयल होने देंगे,
तो इसीलिए मैंने इसको बॉईल नहीं किया। अब मैं गरम मसाला ऐड कर दिया है, अब सबको मिक्स करते हैं। फिर इसमें हम मखाना डाल के मिक्स करेंगे। ऐसे मटर डाल के थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे, क्योंकि मटर कच्चा था तो पकने में टाइम लगेगा, इसीलिए 2 से 4 मिनट इसको ऐसे ढक ढक के कम कम आँच में पकाते जाएंगे और फिर चलाते जाएंगे बीच बीच में, नहीं तो नीचे से लग जाएगा। और गैस को हमें सीम पे ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। अभी मैंने इसमें मखाना ऐड कर दिया है, क्योंकि मटर लगभग पक गया था। तो मखाना ऐड करने के बाद इसको मिक्स करके फिर हमें जो मलाई रखे थे उसको इसमें ऐड करेंगे। ये घर की मलाई है, थोड़ी सी फेंटना पड़ेगा चम्मच से। बाज़ार की मलाई जो लेते हैं वो तो पहले से ही स्मूथ होता है उसका पेस्ट, पर घर का इतना स्मूथ नहीं होता, पर घर का अच्छा ही होता है। और इसके बाद 1 साल होके मिक्स जब हो जाएगा तो फिर वो स्मूथ ही हो जाएगा। और इसमें हमने काजू भी मिलाया है, और अभी मलाई डालेंगे तो इसका कलर भी थोड़ा सा वाइटनेस आ जाएगा और बहुत ही उसका फ्लेवर रिचनेस से भरपूर हो जाएगा। रोटी वगैरह के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से पानी डालना, जिसको पतला ज़्यादा खाना हो तो पानी ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि ये मखाना थोड़ा सा पानी को फिर सोख लेगा। अब पानी डाल के इनको मटर और मखाने को दोनों पकने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना पड़ेगा। और लास्ट में हम इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी को क्रश करके डालेंगे। ये पक गया है, पूरे रेडी हो चुका है। अब हम इसमें कसूरी मेथी को ऐड करके थोड़ी देर और उबलने देंगे, ताकि मेथी का फ्लेवर उसमें आ जाएगा। और उसका मेथी का फ्लेवर भी इसका रिचनेस को बढ़ा देता है। जैसे मेथी मटर मलाई करते हैं, वैसे उसमें हम मखाना बस ऐड करके मखाना मटर मलाई कर रहे हैं। मेथी डाल दिया है मैंने और ये पूरा रेडी हो गया है। तो इसको हम चलिए निकाल के सर्व कर लेते हैं। देखिए इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है, कितना रिचनेस है, और टेस्ट भी उतना ही अच्छा है। इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं आप, इसको ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू।